आपको बताना चाहता हूं कि यूटी कैपेक्स से हमने ये लगभग 48 लाख की लागत से ये काम शुरू हुआ है। मैं सारपूर्वक तो यहां के निवासियों ने आपको बता दिया है, मैं बताना चाहता हूं कि लगभग 15 साल से ये लोग यहां कीचड़, और पिछले दिनों जब डेंगू की बीमारी का बहुत शोर पड़ा यहां जम्मू में, बहुत सारे लोगों को ये शिकार भी हुए इस बीमारी से, तो उन दिनों हमने जब मेरे संज्ञान में ये बात इन्होंने लाई तो हमने जिला प्रशासन से लेकर हमने सिविल सेक्रेटरी तक जो भी अधिकारी इसके संबंधित विभाग से संबंध रखते हैं हमने हर दरवाजे को खटखटाया और ये लोगों की जो जेन्युइन इशू है उनके समक्ष रखा। मैं उन सब अधिकारियों का आपके माध्यम से तह दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस काम को यहां तक पहुंचाने के लिए हमें पैसा रिलीज करने में हमारी सहायता की। बॉर्डर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है सेवा परमो धर्म के मूल मंत्र से काम कर रही है, करती आ रही है और आगे भी करेगी। जहां भी हमारे लोगों को परेशानी आएगी किसी भी समस्या के लेके हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। रात दिन किसी को जरूरत रहेगी मुझे किसी भी समय कॉल कर सकता है। मानवता के आधार पर हम सबका फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कोई भी समस्या आती है उसके निवारण हेतु हम कदम उठाएं। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई भी काम रह सके, अगर आप संघर्ष करते हैं तो कोई काम मंजिल तक पहुंच जाता है, लेकिन जरूरत है घर से कदम उठाने की और सकारात्मक दृष्टिकोण से कार्य करने की। इसी शब्दों के साथ मैं एक बार फिर उपराज्यपाल प्रशासन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का दिल से धन्यवाद करता हूं। अवनाश चौधरी जी इन्होंने ही अप्रोच की है, इन्होंने साढ़े कंधे नाल कंधा मिला के पिछले 1.5 साल तू साढ़े नाल दौड़ भज पूरी की है और अज सानू इस काम दे विच कामयाबी जिहड़ी है मिलती भी है। तो मैं अपनी तरफों और पूरी कलोनी की तरफों इन्हों का बहुत बहुत थैंक्स करना कि यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ पे लाइक गलियां बिल्कुल चलने लायक नहीं थी, है ना। और जब बारिश आती थी जब स्कूल जाते थे कोई भी काम करने के लिए जाते थे तो वहाँ चलने का रास्ता नहीं रहता था। हम बहुत बड़े सरपंच सर के पास गए, फिर उन्होंने फाइनली यहाँ मिट्टी डाली, उनको भी हम थैंक यू बोलते, फिर वहाँ भी फिर से काम बंद हो गया। पर अभी अविनाश सर ने फिर से यहाँ गलियों का और नालियों का काम शुरू करवाया था, हम उनको थैंक यू बोलते, फिर थैंक यू सर। गलियां काफी टूटी हुई है, बड़ा मुश्किल होता है बच्चों स्कूल जाने का, सानू भी बड़ी प्रॉब्लम होती थी। थैंक यू है, बड़े थैंकफुल हैं कि इन्होंने काम शुरू करवाया। मेरा फर्ज है